मेरा नाम डॉक्टर संदीप तलवार है। आज मैं आपके साथ पुअर रिस्पोंडर के बारे में बात करूंगी। अगर हम सिंपल या सरल अर्थ इसका निकालें तो पुअर रिस्पोंडर का मतलब ये होता है कि जिन लड़कियों के एग या अंडे उस हिसाब से नहीं बनते जिस हिसाब से वो बनने चाहिए। अब ये जो पुअर रिस्पॉन्स है ये एज रिलेटेड हो सकता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो ये अंडे बनाने की क्षमता एक लड़की में कम होती जाती है। ये एज रिलेटेड इफ़ेक्ट है, इसको हम ओवेरियन एजिंग भी कहते हैं। जिस तरह से आपके बाल सफ़ेद होते हैं या आपकी आँखों की रोशनी कम होती है इसी तरह से ओवरी भी एज करती है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन कई इंस्टेंसेस में हम देख रहे हैं या कई उसमें कि आपकी उम्र तो 30 साल की है लेकिन आपकी अंडे बनाने की क्षमता जो है वो 40 साल की लड़की जैसे आप बिहेव कर रहे हो। तो ये भी देखने में आया है, कई फैक्टर्स होते हैं, कई चीज़ें हैं जो इसको जिससे कि ये सब हो सकता है। आपको कोई ट्रीटमेंट मिल चुका है, जैसे कि कैंसर भी आजकल छोटी उम्रों में पाया जाता है, या कुछ और आपकी कोई सर्जरी हुई है, आपकी ओवरी पे सर्जरी हुई है, आपको एक चीज़ है होती है जिसका नाम होता है एंडोमेट्रियोसिस, ओवरी के अंदर खून की गांठें बन जाती हैं। अगर आप उसका ऑपरेशन हुआ है और आपके ओवरी का कुछ हिस्सा जो है वो निकाल दिया गया है तब भी आपका पुअर रिस्पॉन्स हो सकता है। या ये कई चीज़ें कुछ कुछ फैमिलीज़ या ख़ानदान है जिसमें ये चलती है कि सबका ही पुअर रिस्पॉन्स होता है और आप उम्र से पहले ही आपकी जो ओवरीज है वो एज कर जाती हैं या उनमें अंडे बनाने की क्षमता कम हो जाती है। तो इस पुअर रिस्पॉन्स को हम कैसे इसके ऊपर काबू करें या इसका कैसे ट्रीटमेंट करें, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं जिससे डिफरेंट इंजेक्शन्स हैं या डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिससे कि इसको आउटकम को हम जो है इसको ओवरकम करके या इसके ऊपर हम विजयी होकर और अंडे जो हैं उनको बना सकते हैं। और मे बी हमको 2 या 3 साइकिल ऑफ IVF भी करने पड़े, लेकिन आपके अपने अंडों से अगर आपकी प्रेगनेंसी आप चाहते हैं तो ये पॉसिबल है। आपका नंबर ज़रूरी नहीं है, आपकी क्वालिटी भी ज़रूरी होती है। और इसको हम लोग जो एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे कि ये अंडे जो हैं हम फिर भी बना के और आपको माँ बनने में सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद।